जिला में दौरा करते मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय कार्यालय एवं जनजागृति सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। मधुबनी जिले में मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय जिला कार्यालय एवं जनजागृति सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर दिया गया। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के जिलाध्यक्ष पवन कुमार राउत ने उन्हें मिथिला की परम्परा के अनुसार पाग चादर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। सभी आगत अतिथियों का सम्मान के बाद राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित शंख वादक डॉक्टर विपिन मिश्रा द्वारा कार्यक्रम को शंख बजाकर प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह ने कहा कि जिलाध्यक्ष के रूप में पवन कुमार राउत के द्वारा किए गए अभी तक के कार्यों से मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ। इनके द्वारा सामाजिक कार्य बेहतर ढंग से किया जा रहा है। कोरोना काल में इन्होंने बढ़ चढ़कर मधुबनी जिले में हर परिवार के लोगों का चिंतन किया और ज़रूरतमंदों के भोजन की व्यवस्था बढ़ चढ़कर जिलाध्यक्ष श्री राउत के द्वारा किया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मेरे ऊपर जो जवाबदेही है उसको मैं निष्ठापूर्वक और समर्पण भाव से करने का काम किया है, जो आगे भी करता रहूँगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करने का जो अवसर मुझे मिला है उसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। समाज सेवी मनोज कुमार मुन्ना ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मानव सेवा से वरा कोई काम नहीं है, जिसे हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। BNP न्यूज़ के लिए मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट।